हे फ्रेंड्स, आज हम टाइम ट्रैवलिंग ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस ड्रामे का नाम है लवली रनर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं क्योंकि सोलर इक्लिप्स हुआ था 61 ईयर्स के बाद। इस टाइम सूरज चांद से 400 टाइम्स छोटा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी वेट कर रहा होता है अपने केपॉप आइडियल का। ये टीम का नाम इक्लिप्स होता है। आज ये लोग का रेडियो इंटरव्यू था। यहाँ पर हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है सुनजे, जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। ये लोग लेट हो चुके थे, तभी उनके केपॉप आइडियल मेंबर में से एक मेंबर को वहाँ पर अपना केपॉप आइडियल दिख जाता है, यूरी। वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और वो उसे ऑटोग्राफ भी लेता है। फिर हमें इस कहानी की फीमेल मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है इमसोल। उसकी मॉम उसके पाँव के नेल को कट कर रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पाँव में नेल पेंट लगा दूँगी, तुम्हारा फेवरेट येलो कलर का। इमसोल अपनी मॉम की कोई भी बातों का जवाब नहीं देती है और बस विंडो के तरफ देखती रहती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि बिस्तर पर लेटने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उठ के चलना भी पड़ेगा, बाहर मौसम कितना अच्छा है। लेकिन इमसोल अपनी मॉम की कोई भी बात नहीं सुनती है। तभी उसकी मॉम से गलती से उसका नेल कट जाता है और ब्लड आने लगता है। उसकी मॉम इमसोल से पूछती है कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन इमसोल ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो उसकी मॉम जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगती है, तो उनके हाथ से ग्लास लग करके गिर जाता है और टूट जाता है। इमसोल जब टूटा हुआ कांच देखती है तो वो उठा लेती है। इक्लिप्स के सारे मेंबर्स अपने फैंस को कॉल करके उन्हें गिफ्ट्स देते हैं। वहाँ की रेडियो लेडी कहती है कि अब किसे कॉल करें, तो वो सुनजे को कहती है कि तुम किसी को कॉल करो। तो सुनजे कॉल लगाता है और ये कॉल पहुंचता है हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर इमसोल के पास। इमसोल जब फ़ोन उठाती है तो उस फ़ोन से जो आवाज़ आया था वहाँ पर रखे रेडियो से भी वही आवाज़ आ रहा था, यानी कि वहाँ पर रेडियो ऑन था। सुनजे उसे कहता है कि मेरा नाम सुनजे है, तुमने मुझे पहचाना, जिस पर इमसोल नहीं कहती है। तो उसी टीम मेंबर में से एक मेंबर कहता है कि तुम इक्लिप्स को जानती हो, जिस पर इमसोल कहती है कि नहीं मैं नहीं जानती। तो वो रेडियो वाली लेडी उसे थैंक यू कहती है कॉल उठाने के लिए और उसे कहती है कि अपना प्रेजेंट लेना मत भूलिए, आपको मिलता है एक शू जिससे आप बाहर इतने अच्छे मौसम में घूम सकते हैं। इमसोल कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, जिस पर वो लेडी कहती है कि अगर आपको ये प्रेजेंट पसंद नहीं आया तो हम आपको एक बाइक दे सकते हैं जहाँ आप पिकनिक भी उसे जा सकते हैं। इमसोल चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, और तुम लोगों को क्या लगता है कि ये सब देख करके मैं वापस चल पाऊंगी? तुम लोग ऐसे प्रैंक कॉल करके दूसरे का मजाक बनाते हो, तुम लोगों को शायद जीने का बहुत ही मज़ा आता होगा, लेकिन यहाँ पर कोई है जो जीना भी नहीं चाहता क्योंकि बाहर का मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। और वो गुस्से से फ़ोन पटक देती है। फिर सुन जाए उसे थैंक यू कहता है ज़िंदा रहने के लिए और कहता है कि तुम्हारे चाहने वाले आस पास ही हैं, तो तुम्हें इस चीज़ का शुक्र करना चाहिए और तुम आज जी लो, कल बारिश होगा, बारिश तक रुक लो, फिर एक दिन और जीना, फिर एक दिन और जीना, तो शायद तुम्हें ये ज़िंदगी इतनी दुखी नहीं लगेगी। ये सब सुन के इमसोल रोने लगती है। उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है। इमसोल अपने मॉम में गले लगकर रोने लगती है। उसकी मॉम कहती है कि रो लो। अब 2022 आ चुका था। हमें एक सुनजे के फैन का रूम दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं, हमारी मेन कैरेक्टर इमसोल ही होती है। उसकी ग्रैंड माँ उसके फेस पर लिपस्टिक लगा रही होती है। तभी इमसोल उठ जाती है और उसकी ग्रैंड माँ उसे कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो। इमसोल ये सुनकर खुश होती है, लेकिन फिर वो देखती है कि उसकी ग्रैंड माँ ने एक वॉच पहन के रखा है, जिस पर वो अपनी ग्रैंड माँ से वो वॉच मांगती है, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ उसे वो वॉच नहीं देती है। इमसोल अपनी मॉम से कहती हैं कि ग्रैंडमा से वो वॉच मुझे दिलाइए, ये सुनजय का वॉच है। इमसोल की मॉम उससे वॉच लेकर के इमसोल को दे देती है और कहती है कि इस वॉच के लिए तू अपने ग्रैंडमा से इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी। इमसोल कहती है कि ये वॉच खरीदने में मुझे 3,000 लगे हैं। उसकी मॉम कहती है कि 3,000, जिस पर इमसोल कहती है कि नहीं नहीं 300 लगे हैं। सुनजय का मैनेजर सुनजय को कहता है कि तुमने मूवी करने के लिए मना क्यों किया। सुनजे का मैनेजर कहता है कि अगर तुम ये मूवी कर लोगे तो मैं तुम्हें एक लंबी छुट्टी दे दूंगा। सुनजे कहता है कि मुझे लंबी छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे रिटायर चाहिए, मुझे रिटायर होना है। मैनेजर कहता है कि बाहर देखो, इतने सारे लोग सिर्फ तुम्हारे फ़ैन हैं, मैं उनको क्या जवाब दूंगा।
आज इक्लिप्स का परफॉर्मेंस था। उस दिन के बाद से ये पहली बार परफॉर्मेंस हो रहा था और इम्सोल का ये पहला शो था। वो बहुत एक्साइटेड होकर के वो चली जाती है शो में। इम्सोल की फ्रेंड उसे पिक करने आती है और वो उसे एक गिफ्ट भी देती है। वो सुनजे का फोटो एल्बम देती है उसके हाई स्कूल का। इम्सोल पर देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि ये स्कूल तो हमारे स्कूल के बगल में ही था, फिर हमने कभी सुनजे को क्यों नहीं देखा। इम्सोल और उसकी फ्रेंड वहां पहुंचकर कुछ फोटोज लेते हैं। तभी इम्सोल को बॉन्स सिनेमा से मैनेजर का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि आपने यहाँ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। इम्सोल हाँ कहती है। वो कहता है कि इंटरव्यू अभी हो रहा है, अभी आना पड़ेगा। इम्सोल आने के लिए हाँ कह देती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि शो शुरू ही होने वाला है। इम्सोल कहती है कि अभी भी 2 घंटे बाकी है, मैं 2 घंटे में इंटरव्यू दे के आ जाऊँगी, और वो वहाँ से चली जाती है। इक्लिप्स के सारे मेंबर सेट पर जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तभी वहाँ पर संजय आता है। वो सारे मेंबर उसे डिसअपॉइंट की नज़रों से देखते हैं, लेकिन संजय को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है। इम्सोल इंटरव्यू के लिए पहुँचती है और वहाँ सीढ़ियों को देख कर थोड़ा नर्वस हो जाती है। वो मैनेजर उससे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, जिस पर इम्सोल कहती है कि मुझे यहाँ से कॉल आया था इंटर्नशिप का इंटरव्यू के लिए। वो मैनेजर उसे कहता है कि ये 2-साइडेड बिल्डिंग है, यहाँ पर एलिवेटर्स नहीं है, आई एम सॉरी, ये जॉब आपको नहीं मिल पाएगी। इम्सोल बाहर निकलती है, लेकिन वो ज़्यादा सैड नहीं होती और खुश होती है, क्योंकि अभी उसे संजय को जाकर के शो में देखना था। इम्सोल जब जा रही होती है तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है। उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि अब एंट्री शुरू हो चुका है, तुम कहाँ पर हो। इम्सोल जब वहाँ पहुँचती है तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई स्टाफ मेंबर था जिसे वो कहती है कि मुझे प्लीज़ अंदर जाने दो। वो स्टाफ मेंबर कहती है कि हम अलाउ नहीं कर सकते आपको अंदर जाने के लिए। इम्सोल कहती है कि कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक था, इसीलिए मैं लेट हो गई, लेकिन वो स्टाफ नहीं मानती है। तो इम्सोल ठंडा लगने का नाटक करने लगती है और कहती है कि बाहर कुछ ज़्यादा ही ठंड है। वो स्टाफ कहती है कि ठीक है, अगर आप मुझे अपना टिकट दिखाइएगा तो हम आपको अंदर जाने देंगे। इम्सोल अपना टिकट ढूंढती है और उसे वो टिकट नहीं मिलता। तभी उसे याद आता है कि बस में चढ़ने समय वो जब बस टिकट पे कर रही होती है, तभी उसके हाथ से वो टिकट गिर जाता है। इक्लिप्स का परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है और वो लोग परफॉर्म करते हैं। उनके गाने का आवाज़ बाहर तक जा रहा होता है, तो इम्सोल वो आवाज़ सुन के ही संजय को खूब ज़्यादा शेयर करती है। फिर संजय कहता है कि मैं हम लोगों का पहला सॉन्ग गाना चाहता हूँ जिससे हम लोगों का डिबेट हुआ था। संजय वो सॉन्ग गाता है और इम्सोल वो सॉन्ग सुन के हैरान हो जाती है, क्योंकि वो सॉन्ग लिस्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस सॉन्ग को इंजॉय करती है। परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है, सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। इम्सोल बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो संजय को गाते हुए सुन सकी। तभी वो किसी से टकरा जाती है और उसका फ़ोन गिर के टूट जाता है। संजय जब अपना सॉन्ग ख़त्म करता है तो वो अंदर जाता है। उसका फ्रेंड यूनियुक उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम रिटायरमेंट कैसे ले सकते हो हमसे बिना पूछे हुए। संजय उसे कहता है कि ये सब हम बाद में करते हैं, अभी मुझे अकेला रहना है। इनियुक उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, और वो वहाँ गुस्से से चला जाता है। सभी उसी के पीछे चले जाते हैं। इम्सोल बस स्टॉप पे बस लेने जा रही होती है, तभी उसका व्हीलचेयर ख़राब हो जाता है। इम्सोल बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और वो सारी चीज़ें याद करने लगती है। उसका इंटरव्यू ना होना, उसका जॉब ना लगना, उसका फ़ोन टूटना, संजय को परफॉर्मेंस ना देखना, ये सब सोच के वो रोने लगती है। और क्योंकि स्नो गिर रहा होता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा होता है। तभी वहाँ से संजय का कार गुजरता है। संजय जब इम्सोल को देखता है तो वो कार से बाहर निकलता है और इम्सोल की तरफ अम्ब्रेला करता है। इम्सोल उसे देख करके हैरान होती है। ये कहानी का पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।